आखिर द्रौपदी ने अपने पांच पतियों के साथ संबंध कैसे बनाए थे और उसे अपने पांच पतियों के साथ ऐसा क्यों करना पड़ा। आखिर उसने अपने पिछले जन्म में ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से उसे ऐसा करना पड़ा। हुआ कुछ ऐसा जब पांडव द्रौपदी का स्वयंवर जीतकर उसे अपनी कुटिया में लेकर आए तो गलती से उन्होंने माता कुंती से यह कह दिया कि हम भिक्षा लेकर आए हैं। इस पर माता कुंती ने यह कहा कि पांचों भाई आपस में बांट लो। यह सुनकर पांचों भाई अचंभे में आ गए कि द्रौपदी को आपस में कैसे बांटा जा सकता है जबकि वे एक स्त्री है। जब माता कुंती दरवाजे पर पहुंची तो वे ये सब देखकर घबरा गई। मगर अब क्या हो सकता था, माता ने तो कह दिया था कि पांचों भाई आपस में बांट लो। अब सभी पांडव समझ नहीं पा रहे थे कि क्या किया जा सकता है। आखिर एक स्त्री के साथ पांचों भाई अपने पति धर्म का पालन कैसे कर सकते हैं। इतने में वहां पर भगवान श्री कृष्ण जी आ जाते हैं। कृष्ण जी ने बताया कि द्रौपदी को तुम पांचों भाइयों के साथ अपने पति धर्म का पालन करना पड़ेगा क्योंकि द्रौपदी ने ही अपने पिछले जन्म में महादेव से एक वरदान मांगा था जिसमें उसने पांच गुणों वाले पति मांगे थे और महादेव ने द्रौपदी को वरदान दे भी दिया था। अब आज के समय में वो पांचों गुण किसी और पुरुष में नहीं है, वो पांचों गुण एक एक करके तुम पांचों भाइयों में है। इसीलिए वरदान के अनुसार तुम पांचों भाई द्रौपदी के पति हो, इसीलिए तुम पांचों को ही द्रौपदी के साथ अपने पति धर्म का पालन करना पड़ेगा। श्री कृष्ण ने बताया कि वरदान के अनुसार द्रौपदी हर बार मिलन के बाद फिर से कुंवारी हो जाएगी, इसलिए हर पांडव के साथ वे अपने पति धर्म को निभा पाएगी। मगर द्रौपदी के साथ तुम पांचों भाई कैसे रहते हो, इस पर तुम्हें ही अपने नियम बनाने पड़ेंगे। मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारी यह वीडियो काफी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें।